वैष्णवी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में मेगा जॉब फेयर हुआ संपन्न। भोपाल स्थित वैष्णवी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया, जिसमें 40 से ज़्यादा कंपनी और 1,500 से ज़्यादा विद्यार्थी प्रदेश की विभिन्न कोनों एवं संस्थानों से सम्मिलित हुए। संस्था के छात्रों ने संस्था में विश्वास जताते हुए कहा कि प्रथम वर्ष से ही हमारा कॉलेज हमारी अपेक्षा में खरा उतरा है, फिर चाहे वो अच्छा एजुकेशन हो या फाइनल ईयर में 100% जॉब की गारंटी हो। संस्था के डायरेक्टर डॉक्टर SS चौहान, डॉक्टर राजेश यादव, डॉक्टर बिंदिया एवं सराठे ने स्मृति चिन्ह देकर सभी HR का स्वागत किया। वहीं संस्था के चेयरमैन मुकेश पाटीदार ने छात्रों को संबोधित करते हुए चयनित छात्रों को बधाई दी, साथ ही कहा कि इस बढ़ती बेरोजगारी के दौरान में किसी को रोजगार देने का माध्यम बनना एक समाज सेवा का भी कार्य है। हर वर्ष 2 चरणों में रोजगार फेयर लगाकर न केवल संस्था अपितु पूरे प्रदेश के छात्रों के लिए ऐसे अवसर बनाते रहेंगे। श्री पाटीदार ने इस सफल आयोजन के लिए प्लेसमेंट अधिकारी अनूप बुंदेला एवं समस्त टीम को हृदय से बधाई दी। जैसा कि बात करें, अभी वैष्णवी ग्रुप में एक प्लेसमेंट का कार्य वो चल रहा है, एक मेला टाइप का लगा, जॉब मेला, क्या कहेंगे, किस प्रकार की कंपनियां आई हैं, क्या आज वैष्णवी संस्थान में आज मेगा जॉब फेयर एक भव्य फेयर लगा हुआ है जॉब का, जहाँ पे सभी तरह की कंपनियां आई हैं। इसमें बात करें तो बैंकिंग से लेके फाइनेंस, MNCs, IT, मैकेनिकल से रिलेटेड, सिविल से रिलेटेड सभी तरह की कंपनियां आई हैं और बच्चों में काफ़ी बहुत उत्साह है। ये सिर्फ हमारे संस्थान के बच्चों के लिए ही नहीं, एक हमने ये ओपन कैंपस ड्राइव रखी है जी। तो यहाँ पे बाहर से भी काफ़ी बच्चे आए हैं, लगभग 1,000 से 1,500 बच्चों का यहाँ पे आज फुटफॉल हुआ है। और प्लेसमेंट की बात करें तो अभी जो हमारे पास आखिरी रिव्यू आया था, वहाँ तक 200 से 300 बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं और ये प्रोसेस अभी निरंतर जारी है। क्या किस किस प्रकार की कंपनियाँ हैं और कहाँ कहाँ से आई हैं सर इसमें? ये सभी लोकेशंस के लिए प्लेसमेंट के लिए कंपनी आई है जी। यहाँ पे बात करें तो फाइनेंस से रिलेटेड, बैंकिंग की बात करें तो HDFC, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, सभी मेजर बैंकिंग सेक्टर से, फाइनेंस सेक्टर से L&T और इस तरह की कंपनियाँ आई हैं। IT से रिलेटेड काफ़ी MNCs आई हैं। क्या आगे की क्या पहल है और किस प्रकार की पहल रहेगी वैष्णवी ग्रुप की? वैष्णवी ग्रुप की तो हमेशा से यही पहल रही है कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा पहले तो ज्ञान अर्जित करे, स्किल डेवलप करे और उसके बाद हम इस तरह की प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी उनको मुहैया करा सकें। तो पहले भी इस तरह के हमारे यहाँ जॉब फेयर होते रहे हैं, इंडिविजुअल कंपनीज के सिलेक्शन प्रोसेस होती रही है और उसमें बच्चे वहाँ पे आज भी कार्यरत हैं और निरंतर ये जारी रहेगा आगे। ओके सर, नाम बता दीजिए अपना। मैं राहुल पाटीदार, सचिव वैष्णवी संस्था। ओके, थैंक यू। युवा हैं क्योंकि बच्चे, जैसा कि देखा गया है कि स्कूल में जब कैंपस सिलेक्शन होता है या अगर कंपनियां आती हैं तो बहुत उम्मीद होती है बच्चों की कि इसी कॉलेज में पढ़ें और इसी कॉलेज से अगर सिलेक्शन हो गया तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी उपलब्धि। क्या कहेंगे सर इस तरह के अवेयरनेस कार्यक्रम को लेकर? जैसे हम यहाँ पे वैष्णवी में पूरा परिवार लेकर के बैठे हैं, हमारे यहाँ के सभी बच्चे को हम एक अच्छी जगह पे देखना चाहते हैं जी। कहीं ना कहीं वो अच्छी कंपनी में जाए, अच्छी जगह प्लेस हो, उसी के लिए हमने यहाँ पे हर संभव प्रयास किया है कि यहाँ पे एक मेगा फेयर लगाया है। 40 से 45 कंपनियाँ यहाँ पे आई हुई है और सभी एक रेप्यूटेड कंपनीज यहाँ पे आई हुई है। तो हम चाहते हैं कि बच्चे कहीं ना कहीं बहुत अच्छी जगह पे प्लेस हो हमारे। कितने बच्चे सर सिलेक्शन हो गए हैं अगर अपन अनुमानन बात करें तो? अनुमान की तो अभी खैर फाइनलाइज तो नहीं हुई है चीज़ें, बट अनुमान की अगर बात करें तो यहाँ पे 1,000 से 1,500 बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं और उसमें से 250 बच्चे के अभी करीब हमारे यहाँ पे प्लेस भी हुए जी। क्या अपील करेंगे हमारे चैनल के माध्यम से युवाओं को? मैं यहाँ पे युवाओं को बस एक ही चीज़ बोलूँगा कि सब अगर अच्छी अच्छी दिशा में अगर सही ढंग से अगर चला जाए तो बहुत ऊपर जाया जा सकता है। ठीक है सर, नाम बता दीजिए। आकाश जी। सर, वैष्णवी कॉलेज में एक जॉब फेयर का एक आयोजन रखा गया है, किस प्रकार का ये आयोजन है, क्या मुख्य आयोजन है? ये आयोजन एक्चुअली आज हम देख रहे हैं कि देश में जिस प्रकार से बेरोजगारी फैल रही है, तो हमारा जो वैष्णवी कॉलेज का जो उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एजुकेटेड करके इस प्लेटफॉर्म पर लाएँ कि वो एक रोज़गार अपने लिए तैयार कर पाए। तो वैष्णवी कॉलेज का उद्देश्य होता है कि अपने कॉलेज के जो बच्चे हैं उनको भी एक रोज़गार देना है और हमारे बच्चों को रोज़गार देना है। बाहर के जो एक्चुअली ओपन कैंपस रखा है तो बाहर के बच्चों को भी इनवाइट किया हुआ है तो उनको भी रोज़गार देना है। तो देश में जो बेरोजगारी है उसको कम करना है, ये हमारा मेन उद्देश्य है। और जहाँ तक मैंने देखा है कि इतनी सारे रोज़गार हैं हमारे इंडिया के अंदर
किंतु कहीं ना कहीं वो बच्चा जुड़ नहीं पाता अलग अलग कंपनियों से। तो हमने एक एक छत के नीचे इतनी कंपनियां बच्चों के लिए हमने यहाँ पर दी हुई है, जिसको लेकर वो बच्चा किसी न किसी रूप में अपने अपने प्लेटफॉर्म पे पहुँचेगा, उसको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यहाँ पर हमने 40 कंपनियां जो रखी है, एक एक भव्य एक मेला एक कंपनियों का हमने यहाँ रखा है। जैसा मैंने अभी विजिट किया था कि काफ़ी सारे बच्चों का सिलेक्शन किया गया है और हमारे मध्य प्रदेश में अलग अलग लोकेशन पे सब लोगों को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। सर, किस किस प्रकार की कंपनियां कहाँ कहाँ से आई? यहाँ पर जो हर प्रकार की कंपनियां, मैक्सिमम कोशिश की गई है कि HDFC, L&T L&T, एक्सिस बैंक और टेक्निकल जो भी IIT से रिलेटेड जो भी तकनीकी जो बच्चा हमारा होता है उससे रिलेटेड भी सारी कंपनियां हैं। हर प्रकार की कंपनी है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, छोटी कंपनियां हैं, जैसा बच्चे के जो अनुभव है, जैसा उसका इंटेलिजेंट है, अगर बच्चा उसी लेवल का उसको कंपनी की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। कोशिश करते हैं हमारे जो बच्चे हैं उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार में कहीं ना कहीं हम उसको संपन्न कर पाएँ, उसको उस प्लेटफॉर्म पर पहुँचा पाएँ। जी ठीक है सर, थैंक यू, धन्यवाद।